अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। और अभी इफ्तारी भी हो गई है और नमाज भी हो गई है और देखते देखते रमज़ान का महीना भी चला गया। पता ही नहीं चला कि कब आया और कब चला गया। ये इस बार का रमज़ान का महीना सच में बहुत जल्दी चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। और कैसे रहता है रमज़ान के बाद भी? अभी पूरे महीने अगर रोज़े रखते हैं तो उसके रमज़ान के बाद कैसा लगता है? एक दो दिन ना कुछ भूख नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि रोज़े में ही हम भी भूख नहीं लगती है। क्या नहीं लगती है? क्योंकि सहरी करते हैं, इफ्तारी करते हैं तो उसमें दिन भर भूखे रहते हैं ना, तो एक दो दिन तो ऐसा लगता है भूख नहीं लगती है जैसे कि रोज़े में ही है। तो अभी हो गया हमारा भी, हम नमाज़ पढ़ गए और ईद की तैयारी भी हमारी भी हो रही है। और आप सभी को हम दोनों की तरफ से चांद रात मुबारक हो, चांद मुबारक हो सबको सबको, और दुआओं में अपने याद रखना। तो अभी हम जा रहे हैं, जो फरा का जो ड्रेस हमने डाला है टेलर के पास में वो लाना भी है, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आ गया था हमें कि ड्रेस आपका रेडी है। और हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक दिन में उन्होंने हमारे को ड्रेस रेडी करके दे दिया है अर्जेंट में, अच्छी बात है। तो अभी वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ से पहले ड्रेस लेंगे, फिर वहाँ से फरा को अम्मी के पास जाना है, उनका कुछ सामान लाना है वहाँ से, फिर लाने के बाद देखते हैं। और अभी मुझे मेरे अम्मी को भी कॉल करना है, उनको भी चांद रात मुबारक बोलना है, क्योंकि अभी टाइम ही हो गया है। हमेशा मैं उनको मगरिब के नमाज़ के बाद ही मैं कॉल करता हूँ, तो चलिए उनको कॉल करते हैं। और फरा को भी अभी घर का बहुत काम है और मेरी कुर्ता भी फरा को प्रेस करना है। फरा, हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से चांद मुबारक हो। मेरी तरफ से भी आप सभी को चांद मुबारक हो। हम दोनों की तरफ से आप सभी को चांद मुबारक हो। और आज कब से मैं देखे ना, मैं कब से वीडियो बना रहा हूँ, बट ये मैडम आज बहुत कितने दिन के बाद, मतलब एक कुछ भी मत बोलो, जब देखो तब ये मेरे को इतना बोलते रहते हैं। 1-1.5 महीने के बाद वापस से फरा ने आज टाइम लगाया, यहाँ पर चलता है ऐसा। क्या टाइम लगाती, मैं बाल सुखा रही थी। हाँ, पर ऐसा कभी भी करे ना तो कुछ ये टेंशन ये नहीं रहता, कभी कभी होता है। फिर अभी क्या करते हैं, लड़की है तो लड़कियों को लगता है अभी बाल सुखाना सब करना है ना। मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मैं कब से ना आज कुछ भी नहीं करा, मैंने सीधा उनके सामने बैठा, चुप इनको देखते बैठा कि कब होगा करके। फाइनली अब भी हो गया इनका पूरा रेडी होना। तो अभी निकलते हैं हम, और अम्मी के वहाँ से आपको क्या लाना है? गाउन नहीं, आपको कुछ बोला कौन सी मशीन लाना है? और मैं मैडम को बोल ही रहा हूँ कि मेहंदी लगाओ फरा, ईद है, मेहंदी अच्छी लगती है हाथ पे करके। लेकिन ये ऐसी मेहंदी नहीं, हाथ पे पूरा हाथ पे ऐसे निकालो, खुद को आती है और इतनी अच्छी मेहंदी निकालते हैं, बट आज इतना कंट्रोल कर रहे हैं ना खुद को मेहंदी लगाने के लिए। बोले काम वाम रहते हैं नको सभी, बोला काम वाम तो कल है, ईद है, तुम रात में लगा के सो सकते हो आराम से, पर सुन ही नहीं रही है। पैर पे लगा दूंगी, पैर पे और पीछे भी लगा दो ना, देखते हैं। तो चलिए अभी पहला जाते हैं, अभी ईशा का टाइम, अभी टाइम। हाँ, ड्रेस लेकर आते हैं अभी जाकर, ड्रेस लेकर आके फिर जो भी घर का काम है, फिर दोबारा तो मेरा जो कुर्ता है वो भी प्रेस करना है। फिटिंग तो इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। तो फिर कितना लकी ना, मेरे को बहुत अच्छा, मेरे को बहुत खुशी हुई। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ईद में इस बार क्या पहनूं, क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी ब्लैक वाला पटा नहीं है, लेकिन और जो देखते हैं मैं जुम्मा के दिन कब पहनता हूँ, बट मैंने बहुत बार पहना है, मैंने सोचा था एक नया लेना, और अच्छा है, लकी है कि फरा ने बहुत जल्दी इसको ऑर्डर किया और वो ईद से दो दिन पहले ही मेरे पास आ गया, और आया तो भी एकदम परफेक्ट भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। और फरा का भी अभी ड्रेस लाएंगे तो वो भी हो जाएगा, और उनको और एक ड्रेस भी लेना है, देखते हैं क्या हो गया वो ड्रेस का, देखते हैं ना, अगर मिलेगा तो लेंगे या तो फिर जाने दो। नहीं नहीं ले सकते हैं, मैं तो बोल ही रहा हूँ क्योंकि वो रेडीमेड में मिल रहा है पूरा अच्छे से, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ लेने के लिए। चलिए अभी लेट होगा, फिर आते हैं, फिर आपको ड्रेस दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने सिलाया, फिर मेरी जो कुर्ता है वो भी दिखाऊंगा आपको मैं, कल ही पहन के दिखाते हैं ना, नहीं तो। हाँ चलेगा, ये बात सही बात है। ये देखिए, अभी मैं अम्मी के घर पे आई हूँ, अम्मी की भी यहाँ पे तैयारी चालू है ये गुलगुले की। तो कमेंट करके बताओ कौन कौन ईद के दिन गुलगुले बनाते हैं अपने अपने घर में? सभी बनाते नहीं, कोई कोई नहीं भी बनाते ना, सब है ना, नहीं बनाते ना कोई कोई, कितना करते। चलो चलो अभी जाना है घर पे, बाहर से डायरेक्ट हम इधर ही आ गए थे। हाँ,
यहाँ पर भी मम्मी की सब तैयारी चली है तो निकलेंगे घर पे अपना। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं घर पे और मेरे दोनों ड्रेस भी ला दिए हम लोग ने जो सिलाने डाले हुए थे तो वो भी आ गए हैं अभी। और अभी हम घर का थोड़ा काम करेंगे तो अभी मैं रात में ही सब करके रखती हूँ। अभी ये पर्दे चेंज करेंगे और बेडशीट पिलो कवर्स वो सब चेंज कर देंगे। और क्या है, और दूध वगैरह तो मैं अभी गर्म नहीं करने वाली हूँ क्योंकि हमारा थोड़ा सा ही है, 2 लीटर का बना रहे हैं हम, तो फिर इसके लिए वो सुबह में ही करेंगे सब। तो चलिए जो ये काम है और समीर का पठानी भी इस्तरी करना है तो चलिए वो सब करती हूँ। तो चलिए अभी पर्दे भी चेंज करने का है घर के, क्योंकि ये एक वाला है और पीछे वाला है और पीछे के 2 विंडो के हैं वो भी चेंज करना है क्योंकि कितने दिन हो गए हमने चेंज नहीं किए और हम सोच ही रहे थे कि ईद नज़दीक आ रही है तो ईद को ही चेंज कर देंगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी जल्दी से करते हैं और टाइम भी बहुत हो गया है और भूख भी लगी है, खाना खाएंगे क्योंकि इफ्तारी के बाद खाना खाए नहीं हमने। नमाज वमाज पढ़ के सीधा बाहर चले गए थे, बाहर से वहाँ से फिर अम्मी के पास गए, अम्मी के पास से अभी घर पे आए हैं। फिर फ़र्क अभी काम है वो दूध वो जो भी गर्म करना है वो अभी करेंगे या सुबह करेंगे उन्हीं को पता है। तो बट पर्दे में, पर्दे चेंज करने में फ़र्क है। महल ओ उल्टा लगा रहे आप, सीधा लगाओ उल्टा ही। हाँ वैसा डालो, एक एक डालो ना जी, एक एक डालो। हाँ 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 ऐसा डालने का, एक एक बेटा हो गया। अरे इसका एक इधर है, रुको मैं देती यहाँ पर है। दो इधर। और इसका और एक कहाँ पे रख, पैक खड़ा मेरे से एक बेटा। अच्छा काम दिया फराने में कॉस, फिर करना पड़ता बेटे। शादी हो पर ऐसे काम करना पड़ते है। हाँ ना, शादी से पहले तो भी नहीं पता चला ना कोई सा। वो टाइट करो। नहीं टाइट है वो, ऐसे ही होगा। नहीं नहीं नजदीक करो उसको। अरे है वो इतना छेरे को, इसको इसको नजदीक करो। तो जो खुद काम नहीं करते ना वो खाते हैं, ये करते हैं नीचे बैठ के, तो उनको ज्यादा ध्यान देने का नहीं। ओके तो ऐसा लग रहा है, इधर लो थोड़ा इधर के खेल। ओके बस अच्छा लग रहा है, मस्त है। चलो चलो टाइम नहीं अपने पास, अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ और उसमें अपनी घड़ी भी मैच हो गई, कल आपका पटानी भी मैच हो जाएगा। अब ये ना, हाँ पटक पट हो जाओ। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टाइट करो। हो इतना कैसा ये हो गया, वो कुछ भी करो मत बोल रही है समीर, में पकड़ो ही आप समीर भाई सब किधर से भी नहीं खोलते, एक रहता खोलने का एक नहीं रहता खोलने का। हाँ क्या, हाँ ये है, लेकिन आपको ना लगता है कुछ भी करता है आपको, मेरे को लगता नहीं आता कुछ समीर। चलो तो इधर के पढ़ दे सब देना, आप क्या करते हैं सबसे बड़ा काम तो लगा रहा हूँ ढंग से लगा। नहीं 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 हाँ। ये वाला डालो पहले, ये वाले होल हाँ डालो अभी, ये ऐसा हाँ, फिर एक सीधा एक उल्टा, आराम से करो। पर्दे को वो लग रहा है और लोकन से खराब हो जाएगा। हाँ हाँ बोलिए ना, आपको सबको करना पड़ता, सबको नहीं पता और मुझे तो करना पड़ रहा है, फिर सबको तो ये नहीं पता है, पर करना पड़ता। ओहो फिर आपको तो कैसा समझेगा शादी हुई आपकी, कैसा लग रहा है ये कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है ना। हाँ खोलो चलो, और अभी अंदर का जल्दी फास्ट फास्ट काम करो, बहुत स्लो है। अरे मैं बहुत ऊपर चलना पड़ेगा, मशीन के ऊपर पैर रखूंगा तो चलेंगे क्या? नहीं कौन से साइड का खुलेगा, इधर का या इधर का? हाँ रखो चलो चलेंगे। नहीं नहीं मशीन नीचे जाएगी तो नहीं जाएंगी, लो नहीं ना। हाँ 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 समीर आप बहुत बुरे गिरने वाले हैं, क्यों? क्योंकि बहुत ही हो रहा है वो,
समझो अब गिरने वाले। अच्छा ना, एक पैर इस पे रखता, एक पैर मशीन पे देता बस। फिर ठीक। हाँ इधर तो ही खुले। पर्दा लेके आए अपने। हाँ वो पाइप पोछे ले ना। हाँ सच्ची बोलो, कंटा ले चले करो मत। धूल वाले का भी, धूल वाले का भी रहे तो देखो, भी कुछ चुप दिख रहा नहीं है वो उधर का। हेलो सुला जल्दी लो पर्दा। सच्ची बोलो से मेरे से घाने डे पर मत करो, गंदगी पे मत लगा। साफ दिख रहा है, लो जल्दी लो। आप झूठा है। इसको कैसे अभी? पहले अपना तरफ लो, अपना तरफ। नहीं 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 रॉन्ग, ये वाली साइड पहले। ये ठीक है। हाँ ऐसा काम दिया यार फराने आपने मेरे को। क्या नहीं होता लो, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा बोलो? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और कौन अप्लाई करेगा? हाँ आप, और कौन करेगा मतलब, और कोई नहीं मुझे भी पता है, पर आप तो हो ना। बहुत मेहनत है क्या जी? रुको अभी टाइट में हो, जल्दी करो टाइट, मेरे को टाइम नहीं है। तो आप कौन कौन कहाँ जाने वाले? टाइम नहीं है आने तो। उसको पीछे पकड़ो। हाँ करो तो करो, और टाइम नहीं है, ये नहीं है। जल्दी हुआ क्या? बहुत काम है मेरे को, फैन साफ करके लो। अब मैं तब मैं जा रहा हूँ, मस्त घर पे आराम साफ काम हो रहा है, कॉल करो मैं आ जाऊंगा घर पे वापस। हाँ मस्त लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है। और तो मेरा काम तो हो गया फरा, बहुत गर्म हो रहा है। चलो मेरे को रूम में, तो बहुत गर्म हो रहा है घर पे। और ये देखो काम किया है समीर ने, काम किया है आज। देखो ये सब काम है समीर का, ये देख सकते हो। नहीं नहीं अभी ये इसको धोने में डालना है, मशीन में डालना है। उससे पहले इसके जो रिंग है वो सब निकाल लेंगे, फिर ये बैग में रखेंगे। ऐसा ही सेफ रहता ना, फिर चेंज करते हैं तो बराबर मिल जाते हैं। फिर बाबा बहुत समीर है ना, घाने डा इंसान। ये चादर निकाला है फराने जो बेड पे डालना। मैं बोली व्हाइट वाली बिछाएंगे तो नौ को बोल रहा हूँ। ये भी अच्छा है, बहुत ही होगा। पर भी व्हाइट ही बिछाए थे हमने ईद को। ईद को नहीं तो ईद की बात चली रही है, नवी नवी अलग रहती समीर। हाँ क्या? ठीक है देखेंगे फिर क्या होता। वहाँ पे देखो हमारा स्टैंड, मेरा ड्रेस सब ऐसे ही पड़ा है, अभी सब वो उठाना पाए। सब अच्छे से भी करना है घर में। वैसे तो कौन आता नहीं घर पे हमारे। हाँ, वैसे तो कोई आता भी नहीं है, सब गांव में ही है, हम ही सीधा रहे हैं। तुम लोग देखने वाले हैं ना। हाँ यूट्यूब की फैमिली है ना अपनी, वो भी देखते हैं ना। बराबर रिंग रखो सवाल। हाँ समीर। हाँ हुआ, हो गया। हाँ तो खेल बना के रखे थे उसको। हाँ ना शेरो, वो सब छोड़ो, वो पहले रखो अंदर। ये ना मैडम खुद बैठे आज, खेल इसके ऊपर। चल खेलने का अभी चीज अपने को, खेल इसके ऊपर, जितना खेलता खेल, जो करता है कर इस पे। चल ले। हाँ जो करता हो कर इस पे। खुद बैठ के ऑर्डर दे रहे, ये करो वो करो। हाँ। अभी इनके बारे है ना, वो बेडशीट बेचारे कर, उनको दिखाता हूँ। तू आदि कब बिठा के देंगे? बोलो ना, मेरे को मशीन चलाने नहीं आ रही समीर। कौन सा वैसा चला रहे, एक साल के बाद तो उसको चालू कर ले मशीन को, मशीन चलाने नहीं आ रही। एक साल के बाद इन्होंने मशीन चालू करा तो मैं कल कुरान पढ़ते बैठा था तो मुझे बोला कि समीर वो कुछ नहीं हो रहा, उसका आओ ना थोड़ा हेल्प करो। मैं गया हेल्प करने, जाके पूरा बिगाड़ डाला मशीन, इतना छिड़े मेरे पे। फिर बाद में बोले जान दो नहीं लाएंगे हम करके। मैंने सोचा कौन सा ये रोज इसको इतने बहुत सारे कपड़े पड़े लिए, तो ऐसा कर रहे पारा करके। अरे पड़े हो नहीं, शादी हुई, जब से शादी हुई थी ना उसके बाद बीच बीच में इन्होंने शायद कभी एक दो कपड़े वपड़े सी जाऊंगा, उसके बाद से जो इन्होंने टच किया है मशीन को कल किया है। हाँ तो क्यों नहीं कर रही, क्योंकि आपका कंप्यूटर रहता बुरे हाथ का। उसको ये अपना बेटा खेलने की चीज है, चल आ इधर, तेरे ऊपर आ इधर ले। चलो उसको मशीन में डालेंगे फरा,
मशीन में ऑलरेडी कपड़े डालने के अपने को आज, वो लगा के करके सुखा के रख डालेंगे कल। चलो परा, हाँ काम कर लो। क्यों मेरे पीछे क्यों घूम रहे थे? आया ना अभी ऊंट पहाड़ के नीचे, क्या मेरे को बहुत सता रहे थे ना फरा। मेरे को थोड़ा भी ये नहीं मांगता, थोड़ा भी किधर भी मुद्दा नहीं मांगता। मैं जला के डालूंगी। नहीं नहीं जला के नहीं, क्यों? लो जरा। नहीं छोड़ी, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं करो करो। मैं ऐसे करने मांगता था कि पर्दे के टाइम छोड़ो छोड़ो, कितने अच्छे लग रहे हैं ना पर्दे, ये वाला। क्या बोले? आपके मुंह के जैसे अच्छे। रेड कलर अच्छा लग रहा है घर में। और अच्छे से मेरे को प्रेस चाहिए, फरा मेरे को थोड़ा भी ये नहीं मांगता। क्या बोल रहा मैं? क्या बोल रहा? थोड़ा भी मुद्दा नहीं मांगता क्योंकि सुबह 7 बजे हाँ मुद्दा, सुबह 7 बजे मेरी नमाज है तो उससे पहले मेरे को ये चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ तो जल्दी जल्दी करो। और ये करके आप क्या चेंज करने वाले हो? क्या ये बेडशीट चेंज करने वाले हो ना? हाँ हाँ कर रही। इतना इतना ये लेके क्यों कर रहे हैं? जरा इंटरेस्ट हंसो, जरा चेहरे पे हंसी लाओ, फेस पे जरा हंस के करो। इतना को लेके जैसा कि बहुत दिन भर काम करे और ये जैसा कि तो काम मेरा है करा होगा, पर इतना इसको इतना क्यों ले रहे? ऐसे करके देख ऐसा लग रहा नींद में कर रहे हैं। फरा जानने तो जला देंगे आप। ये देखिए ये क्या करते बैठ रहे हैं। कल क्या हो गया था, इन्होंने इसको फिटिंग किया था मेरे पटानी को, तो मैंने बोला कि ठीक है फरा चलो मेरे को दिखा दो, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। तो ऐसा फिटिंग किया इन्होंने जैसे वो लड़की लोग फिटिंग करते हैं ना ड्रेस को, वैसा। आपको क्या लगा कि आपका ड्रेस आपने समझा क्या करने के टाइम? इसको इतना पूरा फिटिंग किया, इतना टाइट हो रहा है वो गोल पूरा एक साइड से ऐसा पूरा। अच्छा हुआ मैंने अभी पहन के देखा, कल नहीं पहना सुबह। अरे तो ऐसी फिटिंग करते हैं? अरे तो लड़की लोग क्या करते होंगे वो, जानो मेरे को ढीला ही बहुत अच्छा लगता है भाई। फिटिंग नहीं मेरे को नहीं चाहिए, देखो अभी खोलते बैठे हैं, पूरा पूरा सा गोल शेप में कर डाला इन्होंने एकदम टाइट। अच्छा मैंने अभी चेक, फिर उसके बाद मैं उसको सिलाई मारूंगी। तो फिर भी अच्छा हुआ आपने अभी चेक किया फरा। चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि कल हमें सुबह जल्दी भी उठना है, तो अभी खाना भी ना खाते हैं, खाना खा के फिर सो जाते हैं। हाँ फरा ऐसा नहीं करते, अगर यही अगर इनके कपड़े होते थे ना तो कितना छीटते थे। खुद कैसा मेरे को इस्तरी भी करने लगा रहे, वापस खोलने भी लगा रहे, अभी वापस से इस्तरी कर बोल। नहीं नहीं इस्तरी मत करो अभी, नहीं उतना ज्यादा ये नहीं हुआ, पर क्या हो गया था खुद ही इतना उसको टाइट करे तो अभी मैं क्या कर सकता उसमें। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, मैं कुछ पूरा काम करा। हाँ देखा गया, देखा क्या काम करा, ये खुद मेरे को ऑर्डर दे रहे थे यहाँ से ऐसा करो वहाँ से ऐसा करो और मुझे बोल रहे। हाँ रे सच में वो पाइप मेरे को थोड़ा गंदा दिख रहा। देखे ठीक है चलो उसको साफ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये ऐसे ही मेरे से मजाक कर रहे हैं, कब से मस्ती कर रहे हैं। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चुपना मेरे को बोलने भी नहीं जमा, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को खुद को नहीं समझ रहा, फरा ऐसा मत सताओ मेरे को। बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज। हम दोनों की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को एडवांस में ईद मुबारक। ईद मुबारक सबको, दुआओं में याद रखना स्पेशली मुझे। अल्लाह हाफिज। और इनको भी अल्लाह।